सब्सक्राइब करिए हाई फाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का एक और मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको सेक्शन बी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो इस टाइम आप लोग दोस्तों सॉल्व कर रहे हो। ये आपके पवन पब्लिकेशन बुक के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना भाई। इसके बाद मैं आपको राजन सीरीज के करा दूंगा, सारे प्रश्न मैं आपको परीक्षा के पहले पहले सॉल्व करा दूंगा। इन सभी प्रश्नों में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो होगी टेंस। अगर टेंस पता है तो आप सारे चीज़ों को लगा सकते हो, अच्छे से बता सकते हो। अगर टेंस ही नहीं पता है तो ये समझ लीजिए आप फिर सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएंगे आपको, ठीक है ना भाई। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हैं। इनमें आपको भरना है, करेक्ट वर्ब भरना है। खैर, मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन हो सकता है पेपर में आपको ऑप्शंस दे तो वहाँ से आप अच्छे से भर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन लिख देता तो समझाने की जगह ही नहीं बचती, ठीक है ना भाई। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है आदित्या, आदित्या, उसके बाद खाली स्थान, फिर लिखा वांट, आदित्या खाली स्थान वांट टू ज्वाइन आर इंजीनियरिंग कॉलेज, बट ही खाली स्थान, ब्रैकेट में लिखा फेल टू सिक्योर एडमिशन। मतलब आदित्या क्या है भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन करती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि वो उसका एडमिशन होगा ही, उस सिक्योर नहीं है, कंफर्म नहीं कि उसका एडमिशन होगा। तो एक तो ये आपका खाली स्थान है, यहाँ वांट की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, और ये आपका एक खाली स्थान है, यहाँ पर आपके कौन सी फॉर्म भरी जाएगी। तो ये दोनों आपको बताना है, ठीक है ना, ये दोनों आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, तो अगर इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ोगे, अगर इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आप कहोगे सर आदित्य जहाँ वांट है, ये वांट आपकी फर्स्ट फॉर्म है, आपको यहाँ थर्ड फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि ये आपका परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, ये आपका परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। और कौन से परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन का पढ़ रहे हो अगर आप सही से, तो आपको ये पता होगा। तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या क्या है, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या हो जाती है भाई, हैड हो जाती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ और हैव होती है, हैज़ हैव की सेकेंड फॉर्म हैड आ जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। मेन वर्ब की दोस्तों कौन सी फॉर्म लगती है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। अगर परफेक्ट है किसी भी टेंस का तो हमेशा वो थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आप यहां पर बता सकते हो जहां वांट लिखा है इसके स्थान पर आपको क्या भरना पड़ेगा सर, इसके स्थान पर आपको वांटेड भरना पड़ेगा। आदित्य वांटेड टू ज्वाइन आर इंजीनियरिंग कॉलेज, बट ही, अब देखो यहाँ पर आपको पता है इतना जो है भाई, ये इतने से लगाकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक, यहाँ तक आपको क्या करना है, यहाँ तक ये आपका बन गया किस टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बन गया। तब ये वर्ब आपकी सेकंड, वैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी यही होती है, वांट की सेकंड और थर्ड फॉर्म वांटेड ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म, अब ये जो इतना बचा है ही से लगा के कहाँ तक, एडमिशन तक, इसकी इंग्लिश आप परफेक्ट टेंस में बनाओगे, इसकी इंग्लिश आप परफेक्ट टेंस में बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए सबसे पहले तो फेल के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप लगा दोगे तो क्या आएगा, ही के साथ हैड तो कंपलसरी आएगा, और फेल की थर्ड फॉर्म फेल्ड हो जाएगा, फेल्ड की थर्ड फॉर्म फेल्ड हो जाएगा। तो ये आपका ये बनेगा कि आदित्य वांटेड टू ज्वाइन आर इंजीनियरिंग कॉलेज, बट ही हैड फेल्ड टू सिक्योर एडमिशन। मतलब वह एडमिशन लेने में फेल हो रही है, जो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही या एडमिशन लेना चाह रही है तो उसमें वो फेल हो रही। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर समझ लेनी है। नेक्स्ट अगला है आपका कि वी विल या सेल, यहाँ पर ब्रेकेट है वी खाली स्थान ब्रेकेट में विल या सेल, फिर है गो टू लखनऊ टुमारो,
आपको यहाँ पर विल भरोगे या शैल भरोगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है। तो अगर बेसिकली बात कर लें दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू की, तो क्वेश्चन नंबर टू आपका किस टेंस का है? देखो वी विल शैल गो टू, आप देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, और इसमें क्या है एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो ये जब स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो भैया ये किस टेंस का होगा, फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस का होगा ना। फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपको पता है, विल या शैल होती है ना मेरे दोस्त, विल या शैल होती है। आई और वी के साथ क्या करते हैं, शैल का प्रयोग, बाकी जिसके साथ बचता है, बाकी सबके साथ क्या करते हैं हम लोग, विल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब बच्चे उसके साथ विल का प्रयोग, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। तो आप देखोगे यहाँ पर वी है ना, तो अगर मैं कहूँगा वी विल गो टू लखनऊ टुमारो तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब विल ना भर कर हम क्या भरेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम शैल भरेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस ये कहते हैं कि आई और वी के साथ अपन को क्या भरना है भाई, शैल भरना है। तो हमने यहाँ पर शैल भर दिया, वी शैल गो टू लखनऊ टुमारो, ओके ना। अगला दोस्तों तीन नंबर है व्हेन आई, समझना, व्हेन आई जब मैं रीच माने गया टू स्टेशन, स्टेशन को द ट्रेन लीव लीव ऑलरेडी, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी या छोड़ चुकी थी स्टेशन को, लीव माने छोड़ना होता है ना। तो आप यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर खाली स्थान भरने, एक तो जो रीच लिखा है इसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी भरी जाएगी वो आपको बताना, दूसरा यहाँ पर जो लीव लिखा है लीव के साथ साथ आप क्या चीज़ लगाओगे, या लीव हट जाएगा कुछ और चीज़ लग जाएगा वो क्या चीज़ होगी वो आपको बताना है। अगर देखिए इस टेंस में बात कर लूँ दोस्तों, ये जो आपका टेंस है तीन नंबर जो टेंस है, ये आपको मैंने टेंस में कराया था जब मैंने वहाँ पर पढ़ाया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ऐसे एग्जांपल आपको बताए भी थे। आप देखो ये टेंस हमारा किस में आ जाएगा, ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट में आएगा ना, ये टेंस आपका किस में आएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो बाद में सेंटेंस लिखा होता है उसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं, पहले किस में बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कहने का मतलब ये यहाँ से लगा के स्टेशन तक, स्टेशन तक ये तो आपका पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, तो जब पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा तो रीच की सेकंड फॉर्म रीचड हो जाती है, तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर रीच के स्थान पर क्या भर देंगे, रीचड भर देंगे। When I reached the station, उसके बाद लिखा है यहाँ से देखो द से लगा के आप देखो यहाँ पर कहाँ तक, ऑलरेडी तक, तो आप कहोगे द ट्रेन, अब द ट्रेन, अब इसकी सेकंड जो पहले लिखा रहता है कि ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी मेरे पहुँचने से पहले, है ना। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों जब ट्रेन, अब इसकी इंग्लिश आप किसे बनाओगे, परफेक्ट टेंस में बनाओगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले तो आएगी, ट्रेन के पहले क्या, ट्रेन के बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, द ट्रेन हैड। अब लीव के स्थान पर हम लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट है ना, छोड़ चुका, लेफ्ट लिखेंगे, छोड़ चुकी, लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट ऑलरेडी। तो ये क्या बन जाएगा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी, तो ये आपका बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये दोस्तों ऐसे एक दो प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इन चीज़ों पर अच्छे से कमांड बना के रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर चार पढ़िए और बताइए उसमें करेक्ट चीज़ें क्या भरी जाएंगी, करेक्ट चीज़ क्या भरी जाएगी वो आपको बताना है। चार नंबर प्रश्न है कि हैड आई बीन गोइंग, हैड आई बीन गोइंग कहाँ पर, स्कूल, हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल, खाली स्थान है मॉर्निंग, आपको यहाँ पर भरना क्या है वो आपको बताना है, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए थोड़ी सी जानकारी आप दिमाग में रखोगे तो आपकी चीज़ें जो होंगी वो कन्फर्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो कि जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, जो आपका दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस वो डिपेंड नहीं करता है कि आपका कौन सा है, आपका वो प्रेजेंट भी हो सकता है, आपका वो दोस्तों पास्ट भी हो सकता है ना, आपका वो फ्यूचर भी हो सकता है, किसी भी टेंस का हो। लेकिन अगर वो आपका दोस्तों क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें दो चीज़ें दी हुई होती हैं, इसमें दो चीज़ें, एक तो दोस्तों आपका टाइम दिया रहेगा, टाइम बोले तो क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा ना, समय के साथ कोई काम चल रहा होगा, चलेगा या चल रहा है,
टाइम, और टाइम की इंग्लिश हम किस में बनाते हैं, सेंस या फॉर्म में बनाते हैं, सेंस या फॉर्म में। सेंस की इंग्लिश किसके साथ बनाते हैं, पक्की टाइमिंग के साथ। और दिन में जितने भी पहर होते हैं, चाहे वो 2 पहर हो, सुबह हो या शाम हो, और फार जो पक्की टाइमिंग नहीं होती है उसके साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। अब आप इसी टेंस को पढ़िए। और एक पहचान और भी होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका बीन जुड़ा हुआ होता है। जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, सपोज दैट मैंने मान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जुड़ जाता, हैज बीन, हैव बीन। ठीक उसी प्रकार हैड में बीन जुड़ जाता, हैड बीन। ठीक उसी प्रकार में विल शैल में भी क्या हो जाता, विल हैव बीन, शैल हैव बीन बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हैड आई बीन। अब देखो बीन जुड़ गया दोस्तों, हैड के साथ बीन जुड़ गया, तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर बीन जुड़ गया तो जाहिर सी बात है परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हैड है तो पास्ट का हो जाएगा। उसके बाद है गोइंग टू स्कूल। अब देखो मॉर्निंग, ये आपका एक प्रकार का क्या है, टाइम है। मॉर्निंग एक प्रकार का आपका समय है, टाइम है। और कैसा टाइम है मॉर्निंग, मैंने अभी बता रखा, पहले भी बता रखा था, जितने भी पहर होंगे उसके साथ सेंस का प्रयोग करोगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक में क्या भरा जाएगा सर, सेंस भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, सेंस भरा जाएगा। क्लियर, तो 4 नंबर भी हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। 5 नंबर देखिए लिखा है कि वी शैल नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। इसमें क्या भरा जाएगा, फटाफट तरीके से बताओ, 5 नंबर में क्या भरा जाएगा, बताने की कोशिश करो मेरे दोस्त। 5 नंबर में क्या भरोगे, बताने की कोशिश करना है आपको। देखिए आप देखो यहाँ पर, देखो सिंपल सी बात आपको समझना है यार। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, फॉर। ये आपका फॉर क्या, ये एक टाइमिंग को दर्शाता ना, ये टाइमिंग कि ये पक्की टाइमिंग नहीं है। अ वीक मतलब इस सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह में या इसी सप्ताह में, तो इसी सप्ताह तो इसी मंथ का भी हो सकता, नेक्स्ट मंथ का, उससे नेक्स्ट मंथ का, या जो पिछला मंथ था उस मंथ का हो सकता। मतलब ये पक्की टाइमिंग नहीं है, इसीलिए फॉर लगा है। और टाइमिंग आपका किस टेंस में दिया होता, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जहाँ पर लिखा है वी शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव बीन लगा देंगे दोस्त, क्या लगा देंगे, हैव बीन लगा देंगे। क्योंकि आपको पता परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की विल हैव शैल हैव होती, उसके साथ बीन जोड़ते हैं, विल हैव बीन, यस शैल हैव बीन हो जाएगा। वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। क्लियर, तो ये 5 प्रश्न हो चुके हैं आपके। और याद रखना एक प्रश्न सफिशेंट है, ऐसा एक प्रश्न जरूर आएगा। ये सारे प्रश्न आपके बुक के मैं करा रहा हूँ, कहीं और के नहीं है, तो अच्छे से नोट करना, फिर नेक्स्ट आगे पहुँचते हैं। इसको आप लोग दोस्तों जल्दी से नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे हमारे कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर बात ना भाई, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए तेजी के साथ भाई, इसको आप लोग नोट करिए, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला कौन सा होगा दोस्तों, 6 नंबर हो जाएगा। अगला कौन सा हो जाएगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। उसमें आपको कुछ चीज़ छांटना है, और ऐसा ही प्रश्न आपके इस बार DLED सेकेंड सेमेस्टर बैक में आया था, बिल्कुल ऐसा प्रश्न इंग्लिश में, ठीक है ना। अभी देखो कितना सिंपल सा प्रश्न है, और आप आसानी से बता दोगे कि सर यहाँ पर ये आंसर होगा, ठीक है ना भाई। चलो देखो प्रश्न, देखो और बताओ। ये प्रश्न है आपका, प्रश्न आपका दोस्तों क्या कह रहा है, हाँ ये कह रहा है, जैसे मैंने कह दिया, एक लिखा है आपका मार्च, ये मार्च लिखा है, और लिखा है अप्रैल, मार्च है अप्रैल है, और मैंने कह दिया दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने कह दिया, चलिए इसमें देख लेते हैं, असेंबली, क्या लिखा है, असेंबली, असेंबली। इन 3 चीज़ों में आपको क्या बताना, कौन कौन से नाउन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको बताना कि कौन कौन से नाउन है, मार्च में कौन सा नाउन है, अप्रैल में कौन सा नाउन है, असेंबली में कौन सा नाउन है। फटाफट तरीके से आप बताओगे, जल्दी से बताओगे भाई इसमें कौन कौन सा नाउन है ना, शानदार तरीके से आपको बताना है। क्लियर बात ना, चलिए फटाफट तरीके से बता दीजिए।
फटाफट तरीके से आप बताओगे। देखो नाउन हमने बताया था दोस्तों, नाउन होता क्या है, नाउन होता क्या एक्चुअल में, नाउन आपका नेमिंग वर्ड होता है। होते कितने प्रकार के, सबसे पहले आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड आपका होता है कॉमन नाउन, थर्ड आपका होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ आपका होता है मटेरियल नाउन, एंड फाइव आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, है ना। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है पदार्थवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। अब बात कर ले दोस्तों इस मार्च की, मार्च क्या है, मार्च एक प्रकार का महीना है। अब किसी अब मार्च को तुम कुछ और कह सकते हो क्या, बोलो मार्च को कुछ तुम और कह सकते हो, नहीं कह सकते हो ना मेरे दोस्त। तो ये अपने आप में एक अलग ही ब्रांड है, मार्च अपने आप में एक अलग ही ब्रांड है। तो मार्च हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मार्च क्या हो जाएगा सर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक बात है अप्रैल की, तो आपको पता है अप्रैल भी क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जितने भी मंथ होंगे ना वो आपके प्रॉपर नाउन होंगे, जितने भी दिनों के नाम होंगे ना वो आपके प्रॉपर नाउन होंगे। ये चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें, ठीक है ना। आगे बात कर लें असेंबली, असेंबली में क्या होता है भाई, असेंबली में क्या, आपको पता है असेंबली हमारा क्या, इसमें एक से अधिक पर्सन रहते हैं ना, इसमें एक से अधिक पर्सन रहते हैं भाई, एक से अधिक पर्सन मतलब समूह रहता है, समूह रहता, और जब समूह रहता है तो कैसा नाउन हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैसा नाउन हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, है ना। देखिए ये तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट दे दिए हैं कि बताना है, आपको वहाँ पर सेंटेंस देगा, आपको वहाँ पर सेंटेंस देगा। मान लिया ऐसे सेंटेंस दे दिया, सीता वाज वाइफ ऑफ राम, ऐसे दे दिया, सीता वाज वाइफ ऑफ राम, सीता राम की पत्नी थी, सीता राम की पत्नी थी। इसमें पूछ लेगा नाउन कौन सा है, सीता है राम है ना, देखिए इसमें मत जाना, लेकिन आप ये जो नाउन मैंने पूछा है वो आपको बताना। तो ऐसे सेंटेंस में दे देगा, लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा कि जो आपका यहाँ पर लग रहा है वही आपका वहाँ पर लग जाएगा, क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, सात नंबर प्रश्न में, इसको आप नोट कर चुके होंगे, सात नंबर प्रश्न देखते हैं भाई। चलिए भाई आगे के प्रश्न देखते हैं, छः प्रश्न हमने सीख लिए हैं, सात आठ नौ दस यानी चार प्रश्न यहाँ पर हम सीखते हैं। तो सेवन नंबर क्वेश्चन लिखा है, वी डू नॉट राइट स्टोरीज, इसको आपको दोस्तों पैसिव वाइज में चेंज करना है। ये जो सेवन नंबर है इसको आपको पैसिव वाइज में चेंज करना है, और ऐसा एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में जरूर आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। अब देखो अभी आया था, अभी किसने सेकेंड सेमेस्टर बैक पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर क्या था कि बड़ा सेंटेंस लिखा था थोड़ा सा, तो कुछ साथी गलत कराए थे, एवरी डे को सबसे पहले ले आए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने बताया आप गिन कर चार नंबरिंग कर लीजिए, है ना। आप कहोगे सर ये हमारा एक नंबर सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब दो नंबर हो गया, राइट मेरा तीन नंबर हो गया, स्टोरीज मेरा चार नंबर हो गया ना मेरे दोस्त। अब आप कहोगे सर नाट को आपने नहीं गिना, अरे भाई नाट को मैं क्यों गिनूंगा, क्योंकि नाट आपका पैसिव में भी होगा, नाट आपका एक्टिव में भी होगा। जिस प्रकार डायरेक्ट डायरेक्ट में नॉट नहीं बदलता, ठीक उसी प्रकार एक्टिव पैसिव में भी नॉट नहीं बदलता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रहेगा। अब देखो सबसे पहले चार नंबर को आके लिखते हैं, तो स्टोरीज को सबसे पहले ले आएंगे, तो अगर मैं बनाऊंगा तो ये सबसे पहले आ जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। अब आप बात करो सर दो नंबर डू आ गया, और डू किस में चेंज होता है, इज एम आर में चेंज होता है ना सर, डू इज एम आर में चेंज होता है। स्टोरीज एक से अधिक है, तो हम क्या इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, अरे सर आर लगाएंगे, तो हम कहेंगे स्टोरीज आर, अब नॉट है तो नॉट लगा देंगे, स्टोरीज आर नॉट राइट। पैसिव वाइज में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, रिटेन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। भाई किसके द्वारा, तो वी को क्या कर देंगे, अस कर देंगे, भाई अस, वी अस में चेंज होता है ना, तो वी अस में, तो ये हमारा बन जाएगा स्टोरीज आर नॉट रिटेन भाई अस। कहानियों को उनके द्वारा या हमारे द्वारा नहीं लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर एट है रिमोट का आपको सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है रिमोट का। रिमोट अगर इसका हिंदी अर्थ जानते हो तो बता दोगे, रिमोट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है दूरदर्शी,
इसका हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? दूरदर्शी होता है। रिमोट का हिंदी अर्थ क्या होता है? दूरदर्शी होता है। और दूरदर्शी से मिलता जुलता कोई शब्द आप बताओ, तो दूरदर्शी से मिलता जुलता शब्द मेरे को तो डिस्टेंस लग रहा है, मेरे को तो डिस्टेंट लग रहा है ना। डिस्टेंट मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंट मतलब दूरी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। रिमोट का क्या हो जाएगा? डिस्टेंट हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन में आया है तो कोई और एक ऐसा सेंटेंस दिया गया, वर्ड दिया गया जिसका मतलब दूर से रिलेट करता है, तो वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो इसीलिए सीधा मैंने ये बता दिया। आपके अगर दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि सर इसके मतलब भी दूर होता है या दूर की चीज़ों को हम देख सकते हैं या माप सकते हैं, तो उसको भी आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, ही सेड टू मी, डू यू नो मी। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसको आपको डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब मेरे दोस्त देखो, हमने बताया था कि ये आपकी क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपके प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अगर मेरे दोस्त आपकी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें है, यानी कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अगर आस्क कब लगाएंगे? आस्क और आस्क्ड कब लगाएंगे? ये कन्फर्म है ना, सेड आएगा, सेड टू, तब आस्क्ड लगाएंगे। अगर दोस्तों क्या आ रहा, सेज आ रहा, सेज टू, तब क्या लगाएंगे? आस्क लगाएंगे। और एक होता है कि इस चीज को हम, ये जो डू यू नो मी लिखा है ना, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जो कोटेशन मार्क होता है, कोटेशन मार्क को हम इफ या वेदर में बदलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है, तो आप इसको बना सकते हो। ही, तो ही हमारा सबसे पहले भाई रहेगा ना, तो ही को मैंने सबसे पहले लिख दिया। सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, तो ये हो गया ही आस्क्ड किससे? मुझसे। कोटेशन मार्क इफ में बदल दिया, ही आस्क्ड मी इफ। अब देखो, डू यू नो मी है, डू यू नो मी है, अब ये क्या है? डू यू नो मी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट किस में बनेगा? ये पास्ट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ना। तो ये जो यू, इसको लाओगे तो यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग, तो आई आ जाएगा। नो, तो नो ही रहेगा, आई नो। अब मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही के लिए क्या लगाएंगे? हिम लगाएंगे, तो ही के लिए हिम लगा दिया। तो हमारा बन गया कि ही आस्क्ड मी इफ आई नो हिम, उन्होंने मुझसे कहा मैं उसे जानता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट ये है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। इसमें आपको बताना है कि वर्ब कौन सी है, इसमें आपको बताना है कि वर्ब कौन सी है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो वर्ब है? आई है कि एम है कि लुकिंग है कि फॉर है कि वर्ड है कि मीटिंग है कि यू है? तो आप यहाँ पर बताओ, है ना, जल्दी से बताओ। वर्ब का मतलब दोस्तों क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब कोई भी काम, कोई भी काम। क्रिया का मतलब कोई भी काम है ना। तो आप देखोगे कि लुकिंग मतलब दिखना, है ना, फॉरवर्ड जो भी होता हो, मीटिंग, मीटिंग माने क्या होता है भाई? मीट माने मिलना होता है, मीटिंग माने कई लोगों की मीटिंग हो जाती है ना, जब एक से अधिक, देखिए जब एक लोगों से मिलना होता है तो मीट होता है, जब कई लोगों से मिलते हैं तो मीटिंग हो जाता है। तो मीटिंग माने मिलना, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, यानी हम क्या कहेंगे कि मीटिंग हमारा यहाँ पर वर्ब है। अगर मैं यू की बात कर लूँ तो यू आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का केस कर रहा है। अगर आई की बात कर लूँ तो आई क्या हो जाएगा आपका? एक आई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाएगा तो आई एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ज़्यादा तगड़ा पेपर नहीं आता ना, ज़्यादा टफ पेपर आता है। सब लोग आसानी से पास कर लोगे इस इंग्लिश के पेपर को। सेक्शन ए मजबूत कर लीजिए, सेक्शन बी में डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।